आप लोग पहले दर्शक हमारे आज तक के पूरे पूरा देश सुन रहा है, क्या गाना चाहेंगे बताइए। हम लोगों को अपार खुशी है कि हम लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं कि 105 वर्ष बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति हमारे देश आई है और जो है आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये स्थापित हो रहा है। सुनाइए, इस प्रांगण में हम मौजूद हैं, क्या सुनाना चाहेंगे? हम सुनाना चाहेंगे क्योंकि आज ये जो है माता का जो है स्थापना हुआ है, तो एक प्यारा सा गीत राजेश परदेशी उत्तर प्रदेश भदोही जनपद से। लहरे चुनरिया तोहर, लहरे चुनरिया तोहर, ऊंचा वे अटरिया बड़ा नीक लगेला, तोहर शेरावा सवरिया बड़ा नीक लगेला, तोहर शेरावा सवरिया बड़ा नीक लगेला। एक भोलेनाथ के दरबार के लिए भगवान भोले को समर्पित क्या गाना होगा? अरे ए भोला हम बानी तोहरे दीवाना, हम भी दीवाने हैं आप भी दीवानी हैं बाबा भोलेनाथ के, कि ये भोला हम बानी तोहरे दीवाना, अरे चाहे तू माना चाहे ना माना, चाहे तू माना चाहे ना माना। चलिए यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है, बहुत शुक्रिया आपका इतना सुंदर गीत सुनाने के लिए। और अब जरा अंदर चलते हैं और अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। यहाँ पर तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरह से दर्शन पूजन अर्चन के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और ये मुख्य जगह है जहाँ से कतारों में कतारबद्ध होकर आप देखिए कैसे भोलेनाथ के दर्शन लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर कतारबद्ध होकर लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए, काशी विश्वनाथ की बहुत प्राचीन मान्यता है। ये जो मुख्य मंदिर आप देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि तकरीबन 250 सालों के बाद कहा जा रहा है कि इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, क्योंकि अहिल्या माता की ओर से इसको बनवाया गया था। तब से लेकर आज तक काशी उस रूप में नहीं थी, लेकिन अब वो बड़े बड़े जो पत्थर हैं चारों तरफ जो सजे हुए हैं, उसके जरिए आप देख पा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जब बनाया गया है तो किस तरह की नकाशी की गई है। अलग अलग द्वार है और यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के नारे लगाते हुए भी कुछ लोग बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम सुल्तानपुर बॉर्डर प्रतापगढ़ से आ रहे हैं माता रानी के साथ में। अन्नपूर्णा माँ की कृपा रही कि हम उनके साथ में रात भर लगे रहे और माता रानी ने हमको आशीर्वाद दिया और मैं चांदी का मुकुट पहना करके उनका स्वागत किया और दर्शन करने के लिए आए हैं। कुछ और लोग हैं, दर्शन करके हो गए आपके? हाँ, दर्शन किए, आज तो दिल गदगद हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया। बाबा के दरबार में आज माँ अन्नपूर्णा का वास हुआ है, फिर से बैठी है। 100 साल नहीं 250 सालों के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद पूरे देश की तरफ से कि आपने इस काम को किया और फिर से वाराणसी के दरबार में माँ अन्नपूर्णा को यहाँ लिया। देखिए, सभी की यही कामना है। ये भोलेनाथ का दरबार दिखाते हुए हिमांशु आप ये तस्वीरें, चित्रा भोलेनाथ के भी दर्शन, उनके दरबार के भी दर्शन हम कर रहे हैं और हमारे तमाम दर्शक भी कर रहे हैं। आप बनी रहिए हमारे साथ।